मैं अभी शिप पर हूँ, इसको हुकअप बार्ज बोलते हैं। बहुत सारे बार्ज देखे सामने, अभी जहाँ खड़ा हूँ एक हुकअप बार्ज है, इसका नाम अलायंस कमांडर है, दुबई का बार्ज है। और सामने भी देखेंगे बहुत सारे बार्जेस खड़े हुए हैं। अभी हम मुंबई एंकरेज पे हैं, और जो सामने आपको दिख रहा है वो रिग्स है, ऑयल एंड गैस फील्ड में जो रिग्स लगता है ना, वो वेल हेड्स पे, ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे वो रिग है। ये रिग भी अभी स्टैंड बाई में है, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया तो सब लोग इधर आ गए हैं। अभी देखिए, अभी 3 लेग्स पे खड़ा है सब सारे रिग्स। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे देखिए डम बार्स दिखेंगे आपको। ये देखिए कोई टग बोर्ड है, और सामने वाला जो एरिया है, जो सिटी है, वो अलीबाग पड़ता है। और ये वाला जो है, ये ONGC उड़ान है, ऑयल रिफाइनरी, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं यहाँ पर है। और रात में बहुत अच्छा दिखाई देगा, रात में भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ का व्यू दिखाएंगे। अभी जो हम खड़े हैं एक हुकअप बार्स पे खड़े हैं, ये 3rd फ्लोर पे खड़े हैं। नीचे देखिए 2 फ्लोर और है, आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, मैं 2nd फ्लोर पे हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लाइफ राफ्ट है, इमरजेंसी के टाइम पे यह लॉन्च किया जाता है, अगर शिप डूब रहा हो तो ये सारे लॉन्च किया जाता है। एक लाइफ राफ्ट में मतलब जो कैपेसिटी होती है 25% इसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे लाइफ राइफ राफ्ट है इमरजेंसी के लिए। शिप में इमरजेंसी के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए लाइफ राफ्ट होता है, लाइफ जैकेट पहन के आपको लाइफ राफ्ट में चढ़ना होता है, लाइफ बोट होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं बोट पे। और मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ, चारों साइड का व्यू दिखाता हूँ मैं शिप का, लेंस लेंस कमांडर का। और ये जो एरिया है, ये हो एंकरेज एरिया है मुंबई पोर्ट के पास, ये आपको दिखा दिया है। ONGC उड़ान है, और ये सामने आप देख रहे हैं ये JNPT है, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट, ये JNPT है। देखिए और जूम करता हूँ, ये देखिए JNPT, और ये ONGC उड़ान, मैंने जूम किया, देखिए ONGC उड़ान। और दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है। चलिए मैं आपको आउटसाइड से दिखाता हूँ। हर हर एक हुकअप बार्ज में, हर एक शिप में हेली डेक होता है। ये इधर अंदर एकोमोडेशन रूम है हेली डेक पे जाने के लिए। देखिए इधर से लेडर लगा हुआ है, ऊपर इधर से भी जा सकते हैं और फ्रंट साइड से भी जा सकते हैं। नीचे जाने के लिए देखिए स्टेयर्स लगे हुए हैं। और जब बार्ज को टो किया जाता है, जब खींचा जाता है इसका, एक इस तरह के बार्ज को एक दूसरा बोर्ड खींचता है, उसको टग बोर्ड बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से एंकर वायर लगा हुआ है, इस बार्ज का जो टग बोर्ड है ये सामने है। देखिए ये साइड JNPT है, और ये मुंबई, मुंबई का दूसरा साइड, मतलब ये नवी मुंबई साइड है, और ये मेन मुंबई साइड है। इधर देखेंगे अब तो, ये देखिए कितने सारे बार्जेस, डम बार्जेस इधर खड़े हैं। सामने सी जैगुआर है, सी पैट्रियट है, देखिए सी जैगुआर दिखाता हूँ, सी जैगुआर, ये देखिए सी जैगुआर दूसरा वाला है, उसके बगल में सी पैट्रियट, और उधर फाल्कन चीफ, LTB, बहुत सारे बार्जेस है। मैं आउटर व्यू दिखा रहा हूँ आपको मुंबई का, जो सामने जो मुंबई है वो कोलाबा है। यहाँ से हम लोग अभी जस्ट ताज होटल गेट ऑफ इंडिया के सामने ही हैं। तूफान के बाद हम लोग इधर आए हुए थे, अभी सारे बार्जेस डीमोव हो गए हैं ऑफशोर वर्क से। हम आपको अभी ऊपर से भी दिखाएंगे, हेलीडेक से भी दिखाएंगे कितना अच्छा व्यू दिखता है इस एरिया का। अभी हम लोग डीमोव होने वाले हैं, देखिए ये डंप बार एक बार आया हुआ है, और कुछ देर में लॉन्च आएगा। देखिए लाइफ बोट है यहाँ पर इमरजेंसी के टाइम पे, दोनों साइड, ये पोर्ट साइड है, अभी दूसरे साइड मुझे दिखाया था वो स्टार बोर्ड साइड, ये पोर्ट साइड में भी बहुत सारे लाइफ राफ्ट रखा हुआ है, ये लाइफ बोट रखा हुआ है। देखिए जैसा कि हर हर बार्ज में काम भी है, हुकअप बार्ज है काम करने वाला, ऑफशोर प्लेटफॉर्म में काम करने वाला है, मतलब एक साइड में आपका लिविंग क्वार्टर्स रहेगा और दूसरे साइड में काम करने के लिए रहेगा। काम करने के लिए देखिए कितने सारे मटेरियल्स हैं यहाँ पर,
और ये क्रेन है ऑपरेशंस के लिए, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 300 टन है। ये बॉयंसी टैंक बोया है, बोया जो एंकर वायर को लगाते हैं। इस साइड में ऑफिसेस हैं, रेडियो रूम, क्लाइंट रूम, बाज मास्टर रूम। अभी हम गैलेंस कमांडर, अभी हम आपको ऊपर लेके जाएंगे हेलीडेक पे, जहाँ पर हेलीडेक चॉपर लैंडिंग होता है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है। वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाते, देखिए कितना अच्छा दिखता है। मैक्सिमम 300-350 इसमें कैपेसिटी के लोग रह सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 300 है इस बार्ज का। अभी जो शिप डूब गया पापा 305, उसका भी सेम साइज़ का था, सेम कैपेसिटी का था। ये है, देखिए हम लोग ऑफशोर जाते थे, इसके थ्रू हमारा वाईफाई कनेक्ट होता है और हम लोग व्हाट्सअप चला सकते थे ओनली ऑफशोर में, फ़ोन कॉल्स नहीं काम करता है। और ये यहाँ से अगर देखेंगे आप मुंबई का व्यू कितना अच्छा लगेगा। क्रेन देखिए, यहाँ पर क्रेन का कैपेसिटी दिया है साइड में। सेफ वर्किंग लोड जो है इसका 300 टन लिखा हुआ है क्रेन में। यहाँ से मुंबई देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, और शाम के टाइम बहुत अच्छा दिखेगा। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था इवनिंग के टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट नहीं कर सका। आज मैं शाम का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, शॉर्ट वीडियो। ये एंकरेज एरिया है, क्यों मानसून का टाइम है, सारे बार्जेस यहाँ पर एंकरेज एरिया में आ गए हैं अभी, तो क्योंकि काम ख़त्म हो गया तो सारे बार्जेस अभी देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए हम आप हेलीडेक आए तो आपको हेलीडेक दिखाते हैं कि हेलीडेक कैसा होता है, जहाँ पर चॉपर लैंड होता है। ये बार जो है दुबई का है, एक्चुअली इंडिया में है अभी। यहाँ से दो, हर हेलीडेक का दो एस्केप रूट होता है निकलने का, एक इधर से एक दूसरा साइड से भी दिखाया आपको। और ये देखिए हेलीडेक है, वाओ कितना खूबसूरत है। यहाँ से देखिए हेलीडेक में, देखिए सेंटर में एच लिखा है, एच हेलीडेक अलायंस कमांडर। यहाँ से देखेंगे पूरा क्लियर व्यू आएगा पूरा। मैंने बताया था ये अलीबाग एरिया है, और ये वाला उड़ान है ये सामने वाला, और ये सामने जो है JNPT है, और दूसरे साइड में हम दिखाएंगे तो ये देखते हैं इधर मुंबई है, सपनों की नगरी। चलिए दोस्तों कैसा लगा था ये, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया। वाओ, इस सीज़न का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा ऑफशोर का। नेक्स्ट टूर में, नेक्स्ट विजिट में फिर से आपको अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएंगे ऑफशोर से। अगर हमारे वीडियोस अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऑफशोर्स की डिटेल्स हम देते रहेंगे। कुछ पूछेंगे कमेंट में तो हम बता देंगे कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होना चाहिए, और क्या क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है। खाने पीने का फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छा होता है, जो चाहेंगे वो मिलेगा, हर चीज़ खाने को मिलता है, अच्छी क्वालिटी रहता है। हाँ, और कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच। वाओ, अभी 2 बज रहा है, दोपहर के 2-3 बज रहा है, बहुत धूप है, बट समुंदर की ठंडी हवा आ रही तो उतना पता नहीं चल रहा है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा मैं नीचे जा रहा हूँ, दूसरे साइड से जो बैक साइड में एक स्केव रूट होता है हेलीडेक का, उधर से मैं नीचे उतर रहा हूँ, फिर मैं अंदर साइड में जाऊँगा, उसके बाद अकोमोडेशन रूम दिखाऊँगा हर एक लेवल का, फिर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जिम है, किचन है, और सब मैं थोड़ा थोड़ा एक व्यू देखूँगा, क्योंकि अभी जो बार्ज है वो डीमोबलाइज हो चुका है, जितनी पब्लिक थे सब चले गए, इसलिए आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अंदर चलते हैं अब। ये देखिए बस ये रूम है, हमें अपना बार्ज में आ गया, दिखाता हूँ। चलिए, वाह बहुत ठंडा है। ये सारे रूम है, रेडियो रूम, टू मेन रूम है, सिंगल मेन रूम है, अकॉर्डिंग टू योर रैंक रूम वैसे प्रोवाइड किया जाता है। और मेरा जो रूम है टू है मेन रूम है, और ये देखिए ये मेरा रूम है, क्योंकि आज जा रहे हैं तो सामान वामान पैकिंग किया है, देखिए कितना कचरा फैला हुआ है हर तरफ,
ये दो बेड काफ़ी कंफर्टेबल बेड है, काफ़ी अच्छा लगता है। टीवी है, देख सकते हैं। फ्रिज में बहुत सारे आइटम्स भर के रख दिए जाते हैं, फ्रूट जूस जो भी खाना हो वो रखवा सकते हैं। यहाँ पर सारा एक्सटेंशन नंबर दिया हुआ है हर जगह का, रूम वाइज। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज निकल रहे हैं तो इसलिए रूम खुद से क्लीन नहीं हुआ है, क्लीन करने कोई आया नहीं है। ओके, देखिए 3 बज रहा है, मैं दो और जो वॉशरूम भी अच्छा, काफ़ी अच्छा है। ये हमारा फ्रेश करने का एरिया है, अच्छा फैसिलिटीज़ है ऑफशोर में, काफ़ी अच्छा है। दोनों साइड में दो लोग हैं तो दोनों के लिए दो अलमीरा है, और हर इंसान के लिए रूम में ही लाइफ जैकेट रख दिया जाता है। ये देखिए लाइफ जैकेट है ये दोनों रूम में। अब मैं आपको सेकंड लेवल पे लेकर जाता हूँ। फर्स्ट लेवल में मैक्सिमम क्लाइंट लोग रहते हैं, और नीचे थर्ड लेवल पे क्लाइंट्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड पे वर्कर्स ग्रुप। यह है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में 4 मेन रूम्स रहते हैं मैक्सिमम, 2 मेन 4 मेन। फिर मैं चलो आपको लेके चलता हूँ लेवल 1। लेवल 1 में सारी फैसिलिटीज़ है, टीवी रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, जिम है, सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये लेवल रूम में ये मस्जिद है, यहाँ से नमाज पढ़ सकते हैं। ये दुबई का है, ये तो अच्छा ऑफिस दिया हुआ है, क्योंकि ऑफिस एंट्री फॉर ऑथराइज पर्सन। ओ नहीं, मस्जिद जो है सेकंड लेवल पे है, और फर्स्ट लेवल पे इस साइड देखेंगे तो ये वाला रूम है, टीवी रूम है फॉर क्लाइंट्स। ये कितना अच्छा है, यहाँ पर बैठकर हम लोग एंजॉय करते थे, टीवी देखते थे, सीरियल देखते थे। और मैंने यहाँ पर देखा क्या, देखिए कौन सा सीरियल देखा मैंने यहाँ पर, देखा काली, देखा और आश्रम मैंने यहीं पर बैठ के देखा। आपको लेके चलता हूँ कॉमन टीवी रूम और कॉन्फ्रेंस रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता हूँ, यहाँ पर मीटिंग होती है। ये है कॉन्फ्रेंस रूम, देखिए ऑफशोर में इस तरह का कॉन्फ्रेंस रूम रहता है, यहाँ से वीडियो कॉलिंग होती है, बात होती है मीटिंग में, मीटिंग के लिए। और अभी तो खाली है क्योंकि सब लोग डिमोव हो गए हैं, सब काम खत्म हो गए, सब चले गए। और ये वाला है आपका कॉमन टीवी रूम, टीवी भी ऑन है भी, देखिए। अब मैं आपको दूसरे साइड लेके चलता हूँ, ये रूम के अंदर से ही रास्ता है। यहाँ एक जिम है, जिम की भी फैसिलिटीज़ है, जैसे ड्यू टू COVID-19 डू नॉट यूज़। अच्छा, ये जिम है, हर एक फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। जितने भी बार्जेस देखे उसमें, उन सब में से सबसे अच्छा बार जो है ये लगा इसमें, देखो जिम का कितना अच्छा, सारे मशीन ये दिया हुआ है, हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है इस पर, इस बार्स पे, हर बार्स पे जिम होता है। चलते हैं बाहर, और आपको मैं अब फिर यहाँ का किचन दिखाऊंगा, किचन रूम दिखाऊंगा आपको। ये फर्स्ट लेवल हो गया, ओके। और सबसे नीचे है मेन डेक, यहाँ पर और डॉक्टर्स नीचे बैठते हैं, क्रू मेंबर्स नीचे रहते हैं। जैसे आपको ऊपर से दिखाया था, ये है मेन डेक नीचे। हो, थैंक यू वेरी मच।